सरगुजा जिले के थाना बतौली अंतर्गत ग्राम बांसाझाल ततुपारा निवासी रंजन खलखो पिता सामवेल खलखो द्वारा अपने ही 1.5 साल के मासूम बच्चे को कोयलार के पेड़ में फांसी पर लटका कर मार डाला और शव को गिदूर झूला नाला के किनारे पत्थर में छिपा दिया। प्रार्थी विजय लकड़ा पिता राफेल लकड़ा निवासी बेलजोरा थाना सीतापुर जो आरोपी का साला है द्वारा थाना बतौली आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया। बच्चे के मृत शव को नदी के किनारे से बरामद किया गया। थाना बतौली ने मामला पंजीकृत कर विवेचना कर रही है एवं आरोपी रंजन खलखो पिता सामवेल खलखो को तत्काल गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। हम बांसाझाल का रंजन खलखो है जिसके 2 बच्चे अनुराग खलखो 4 साल का और आजाद खलखो 1.5 साल का। इसकी पत्नी लगभग 2 माह पूर्व दिल्ली काम करने चली गई है। इसी बीच इसके घर की सरिता भगत जो है वो बगीचा से 2 कंपनियों से लोन ली थी, जो लोन के लिए इसके पास बराबर तगादा के लिए आते थे। यह हमेशा अपने पत्नी से बात करना चाहता था लेकिन इसकी पत्नी बात नहीं करके फ़ोन नहीं उठाती थी। प्लानिंग किया कि 2 तारीख को हम दोनों बच्चों सहित आत्महत्या कर लेंगे। इसी प्लानिंग के तहत ये रात्रि में सभी घर वालों को खाना पीना खाकर सोने के बाद रात्रि करीब 11-12 बजे उठा और छोटे लड़के को ले जाकर घर के बगल में कोयनार पेड़ है और उसमें अपने कंबल का किनारा रस्सी जो होता है काला रंग का उसको फाड़कर उसी से पहले लड़के को झुलाया